खुदा ना खास्ता मेरे दौर में होता तो मेरी पहली फ्लाइट अबूधाबी, दूसरी चीन, तीसरी रूस होती और वापसी में ईरान से होता हुआ आता। आलमी क़यादत की हिमायत साथ होती और ये कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को गाइडलाइन दे दी, कहा सकूत ढाका के बाद बड़ा सानहा है, तब हमारा आधा अंग टूटा था, आज कश्मीर में भी हमारा आधा अंग टूट चुका है। सवाजी साहब मेहरबानी करें आप, जी जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, प्लीज आप अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर साहब प्लीज तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें प्लीज। पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। फवाद चौधरी के बात करने पर मुशाहिदुल्लाह ने शटअप कॉल दे दी, चेयरमैन सेनेट ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हजफ करा दिए। फवाद चौधरी मुशाहिदुल्लाह के अल्फाज पर भड़क उठे, जज्बात में मुशाहिदुल्लाह खान की तरफ लपकने की कोशिश, मुशाहिदुल्लाह की हुकूमत पर सख्त तनकीद। जब आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो तहकमाना अंदाज नहीं होता, अगर आप चाहते हैं कि कौम को एक होना पड़ेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ जेल में क्यों है। कौमी सलामती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत सर जोड़कर बैठेगी, आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिश से पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की सरबराही में वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, तर्जमान वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फैसल भी इजलास में मौजूद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय इकदाम के बाद की सूरत हाल का जायजा। भारतीय सफीर को बेदखल किया जाए और अपने सफीर को पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाते हुए एक मौसर एहतजाज का इंतजाम किया जाए। पाकिस्तान भारत से सिफारती ताल्लुकात खत्म करे, पाकिस्तान से भारतीय सफीर को बेदखल किया जाए, भारत से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाया जाए, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुतालबा। अरकान बाजू पर स्याह पट्टियां बांध कर इजलास में शरीक, सख्त अल्फाज में भारतीय मुजालिम की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारत के रियासती गुंडों का गश्त, कर्फ्यू जारी, सख्त पाबंदियां, हर तरफ खून का आलम, इमरजेंसी में भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। वादी जेल में तब्दील, वादी भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद, तालीमी इदारे भी ना खोल सके, मकबूजा वादी में जिंदगी मफलूज। जस्टिस फायज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को चैलेंज कर दिया, वो खुद मुआविन वकील के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस फायज ईसा को दो शौकास जारी कर रखे हैं, एक शौकास सदारती रेफरेंस, दूसरा सदर मुमलिकत को खत लिखने पर जारी किया गया।